शरण के अंदर जाना है, देव गुरु और धर्म के शरण के अंदर मुझे चला जाना है, और वहां मैं चला गया वहां मेरे को रक्षण मिल जाएगा, आरक्षित बन जाऊंगा, चारों तरफ से मुझे रक्षण मिल गया। मृत्यु को बचाने के लिए आप शीशे की कोठी मतलब लोहे की कोठी के अंदर भी चले जाएंगे तो भी वहां से मृत्यु से बच नहीं पाएंगे, मगर यहां आने के बाद भव की परंपरा के अंदर ये धर्म के आरक्षण के अंदर आ गए तो जरूर आपको डुबाएगा नहीं मगर ऊपर ही ले जाएगा। ऊपर ही ले जाएगा मतलब इस भव के अंदर से जाने के बाद अगला भव अपना निश्चित सुंदर बन जाएगा, और सुंदर भव के अंदर अपन पहुंच जाएंगे तो ऐसी भावना के साथ क्या ये धर्म की भावना के अंदर तीसरी भव की भावना की विचारणा कर रहे हैं। ये संसार के अंदर रहते हुए भी संसार चलाना है और संसार चलाते चलाते धर्म भी करना है और संसार के आनंद को भी लेना है, तो संसार के आनंद को लेने के लिए जो भौतिक सामग्री का आप आनंद ले रहे हैं, संसार के सुखों का आचमन कर रहे हैं, उसके अंदर आनंद आता है तो यहाँ ज्ञानी भगवान बोलते हैं उसके अंदर आनंद नहीं लेना है, उसके अंदर आनंद नहीं है। आप जितना भी संसार चला रहे वो सब आपके कर्म के अधीन पे है, कर्म वर्गणा के पुद्गल लगे हुए हैं, एक दूसरे का ऋणानुबंध है, इसलिए यहाँ पे मेला जमा हुआ है। इस माले के अंदर सारे पंखी आके बैठे हुए हैं और अपनी अपनी फर्ज निभाते हैं, क्या करते हैं अपनी अपनी फर्ज निभाते हैं, और फर्ज निभाने के लिए जो कर्म वर्गणा के पुद्गल है उस कर्म वर्गणा के पुद्गल का यहाँ पे उपयोग हो रहा है, तो भाग्यशाली उसी उपयोग के अंदर सदुपयोग हो जाए, इसीलिए शांत सुधारस नाम का महान ग्रंथ बता रहा है। और उसी के अंदर से जहां जहां पापस्थानक दिखाए हुए हैं उस पापस्थानक की विचारणा करनी है, पापस्थानक की मतलब जहां पे भी सिग्नल आता है वहां पे गाड़ी को रुकाना है, और जहां पे भी सिग्नल मिलता है वहां पे गाड़ी को आगे चलाना है। ये 18 पापस्थानक अपनी जिंदगी को सिग्नल दिखा रहे हैं कि भाग्यशाली इस मनुष्य भव की प्राप्ति करके आपको ऊर्ध्व कक्षा पे जाना है, मोक्ष सुख की प्राप्ति करने के लिए जिन धर्म की आप आराधना कर रहे हैं, आप और हम सभी आराधना करते हैं, तो उसके अंदर भी कहीं पे भी माइलस्टोन आते हैं, कहीं पे भी रेड सिग्नल आते हैं, कहीं पे भी ग्रीन सिग्नल आते हैं, और उसी को बोलते हैं 18 पापस्थान। 18 पापस्थान की विचारणा के अंदर आके अपने को सोचना है कि कहां कहां मुझसे पाप हो जाता है और कहां से मुझे नीचे गिरने की गर्ता के अंदर खाई में गिरने का मौका मिलता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है।